इतना आवाज़ ज़्यादा है। अब आपको दिखाने वाला हूँ इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम किधर से है, क्योंकि गाइस ये जो हेड है ये खोलने के बाद ही आपको पता चलेगा इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अब आपको ये खोल करके बताने वाला हूँ। हमने चार बोल्ट को खोल दिया है, अब आपको दिखाने वाला हूँ इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम किधर से है। देख सकते हैं गाइस, मतलब इसका ऊपर ऑयल आता नहीं है, मतलब इसमें ऑयल भी कम है। अब आपको सर से दिखाने वाला हूँ इसमें, मेरा ख्याल से ये टाइमिंग चेन भी देख सकते हैं गाइस, ये देख सकते हैं, मतलब ये टाइमिंग चेन ख़त्म हो चुका है, पूरा ढीलापन जा रहा है, देख सकते हैं। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम है टाइमिंग चेन से, और बाइक में ऑयल भी कम है, मतलब और एक दिन बाइक चलाएगा तो इंजन सीरीज हो जाएगा ऐसा है। क्योंकि गाइस ये पूरा कवर खोलने के बाद आपको बताने वाला हूँ किस तरह से टाइमिंग चेन लगाया जाता है, वीडियो में जुड़े रहे गाइस। जैसे देख सकते हैं हमने पूरा पार्ट्स को खोल दिया है, और इधर का जो बोले गाइस ये आपका उल्टा दिशा में खोलेगा और राइट हैंड में टाइट होगा। आप देख सकते हैं गाइस हमने कुछ इस प्रकार से खोल दिया है, क्योंकि गाइस बजाज पल्सर में और डिस्कवर में आपको उल्टा चूरी देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस प्रकार से हमने खोल दिया है। और इसी को निकालने वाला हूँ, देख सकते हैं ये भी निकाल दिया हमने, और इसका नीचे एक बूस है गाइस, देख सकते हैं ये ऑयल पम्प गलरी को निकालना पड़ेगा, जो इसका हेड में जो ऑयल चढ़ नहीं रहा था इसका वजह से हमने ऑयल पम्प को खोल करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर ख़राब रहेगा तो इसका अंदर ऑयल नहीं जाएगा। अब आपको ये चीज़ 10 नंबर बोल्ट को आपको खोलना पड़ेगा, देखो हमने कुछ इस प्रकार से 10 नंबर बोल्ट को खोल दिया है। अब ईजीली इसका जो राम इंजन है बाहर आ जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने निकल दिया है। अब इधर से ईजीली निकल सकता है गाइस, ये अभी इधर से निकल नहीं रहे, ये टाइमिंग पैड को थोड़ा पुर करना पड़ेगा, ये देखो ये अब बाहर आ चुका है। अब आपको नया टाइमिंग चेन लगा के दिखाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस ये हमेशा जेन्युइन यूज करता हूँ, क्योंकि कोई भी पार्ट्स इंजन के अंदर डालो ओरिजिनली डालो, देख सकते हैं सेम चेन है, सेम है इसका गाइस, देख सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इसमें ऐसे लगाने का, देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार से लगा रहा हूँ, हमने लगा दिया और इसका टाइमिंग पैड को अंदर कर दिया है। अब आपको ऐसा एक स्पार्क लेने का और इसका अंदर कुछ इस प्रकार से लगाने का, ये देखो, और इसी से आपको खींचना पड़ेगा, देख सकते हैं गाइस हमने कुछ इस प्रकार से खींच रहा हूँ, इसका अंदर आपको डालने का, ये देखो हमने कुछ इस प्रकार से ले लिया है। इधर से आप इजीली टाइमिंग चेन को लगा सकते हैं गाइस, देखो हमने कुछ इस प्रकार से लगा दिया है। अब इसका नीचे टाइमिंग पैड है गाइस, इसी को लगाने वाला हूँ, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लग जाएगा ये देखो, कुछ इस प्रकार से 10 नंबर बोल्ट आता है इसमें ऐसे लगाने का, देख सकते हैं हमने लगा दिया है। अब आपको टाइमिंग को टॉप करके लेना पड़ेगा, हमने कुछ इस प्रकार से टाइट कर दिया है, ये टाइट हो चुका है बिल्कुल, कुछ इस प्रकार से इस पॉकेट को लगाने का टाइमिंग, ये देखो हमने, आप इजीली ये टाइमिंग मिला सकता है गाइस, देख सकते हैं हमने एक्सेल को कुछ इस प्रकार से रख दिया है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका अंदर एक बूस रहता है, इसी को आप लगाना पड़ेगा आपको, ये देखो हमने एक्सेल ऊपर नीचे होना चाहिए, और इसका जो देख सकते हैं गाइस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो हमने कुछ इस टाइप से बिठा दिया है, देख सकते हैं गाइस ये अभी बराबर परफेक्टली टाइमिंग हो चुका है गाइस, देख सकते हैं नीचे ऊपर एक्सेल और ये डॉट आगे का तरफ रहेगा, देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार से टाइमिंग को मिला दिया है, देख सकते हैं ये टेंशनर है गाइस, ये ख़राब हो चुका है, कस्टमर ने क्या किया इसके अंदर एक बोर्ड लगा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस, देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार से जेनुइन पार्ट से लेके आ गया, ये रहा टेंशनर, कुछ इस प्रकार से
टाइमिंग टेंशनर आता है, देख सकते हैं। हमने नीचे वाला 10 नंबर बोल्ट को निकल लिया है, हमने पैकिंग को लगा दिया है। अब 10 नंबर बोल्ट दोनों टाइट करके लेने वाला हूँ। दोनों बोल्ट हमने टाइट करके ले लिया है। कुछ इस प्रकार से एक बोल्ट आता है, पहले स्प्रिंग को अंदर का और धक्का लेने का है, देख सकते हैं। अभी टाइमिंग जॉइंट टाइट हो चुका है। अब ये रहा इसका बोल्ट, हमने कुछ इस टाइप से टाइट कर दिया है। ये टाइट करके लेने वाला हूँ। अब देख सकते हैं गाइस, इसका टाइमिंग जॉइंट अभी टाइट हो चुका है। हमने कुछ इस टाइप से टाइट कर लिया है। आप देख सकते हैं गाइस, टाइमिंग जॉइंट बराबर अभी टाइट हो चुका है। अब इधर का दो बोल्ट लगाना पड़ेगा। एक पत्ती आता है इसमें, कुछ इस टाइप से एक पत्ती आता है इसमें लगाने का, और इसका नीचे एक बोल्ट और इसका ऊपर एक बोल्ट। अब ये दोनों बोल्ट टाइट करके लेने वाला हूँ। हमने कुछ इस प्रकार से टाइट कर दिया है बोल्ट को। अब इधर से ये पत्ती को मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये बोल्ट अगर ढीला हो जाएगा तो ये बाहर और आ सकता है। इसकी वजह से ये दोनों पत्ती को मुड़ लेने का। ये ऑयल पम्प कुछ इस प्रकार से लग जाएगा, देख सकते हैं हमने लगा दिया है। अब इसमें दोनों बोल्ट टाइट करके लेने वाला हूँ, इसका नीचे एक बोल्ट और इसमें एक बोल्ट। अब ये दोनों बोल्ट को टाइट करके लेने वाला हूँ। दोनों बोल्ट हमने टाइट करके ले लिया है ऑयल पम्प का। कुछ इस प्रकार से लग जाएगा गलारी, ये देखो ये भी बैठ चुका है। उसके बाद इसमें एक बूस आता है कुछ स्टेप से लगाने का, और उसको अभी ये कलच हाउसिंग को लगाना पड़ेगा। ये देखो हमने कुछ स्टेप से लगा दिया है, ये देखो अभी बैठ चुका है। इसका नीचे एक वर्सल आता है गाइस, कुछ स्टेप से एक वर्सल लग जाएगा। उसके बाद ये शू लग जाएगा। अब इसमें एक वर्सल और एक बॉल, मतलब एक क्लोज बाय टाइट होगा गाइस, एंटी क्लोज बाय खुलेगा और क्लोज बाय टाइट होगा। अब ये सारा काम हमने फाइनल कर दिया है गाइस। हमने कालाज कवर को लगा दिया है। इसका टाइमिंग देख सकते हैं गाइस, इसका टाइमिंग दोनों तरफ एक्सेल लिखा हुआ है, आगे डॉट और मैग्नेट से आपको दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं इसका टाइमिंग, ये जो छोर बना हुआ है इसमें टी लिखा हुआ है, देख सकते हैं इसका टाइमिंग इसी से मिलता है। और मैग्नेट ऐसा फ्री होना चाहिए, अब आपको पलक से भी आइडिया लगा सकते हैं, देख सकते हैं। हमने सारा बोल्ट को टाइट करके ले लिया है। अब इसका टंकी लगा के आपको स्टार्ट मार के दिखाने वाला हूँ। इसमें चलिए इतना बढ़िया काम हुआ गाइस, क्योंकि पहले जनरेटर चल रहा था, इतना हमने कुछ फ्यूल पाइप को लगा दिया है। अब इसमें आपको स्टार्ट मार के दिखाने वाला हूँ, देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार से एडमिशन को ऑन कर लिया है। अब आपको स्टार्ट मार के दिखाने वाला हूँ, देख सकते हैं गाइस बिल्कुल साइलेंट साउंड हो गया इसका। आपको पहले देखा था गाइस कितना साउंड ख़राब था, आप कैसा है कमेंट करके मेरे को बोलो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा। मेरे से जितना जानकारी था गाइस आपको दे दिया है। इसी तरह टेक्निकल वीडियो आपके साथ लाता रहूँगा गाइस। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, जो भाई वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।